हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे एक नए वीडियो में। जैक की तरफ से एक न्यूज निकल के आ रही है कि 12th का फिजिक्स का पेपर टेलीग्राम ग्रुप में परीक्षा से पहले ही हुआ वायरल। छात्र संगठन ने जांच की मांग की। DEO ने कहा शिकायत नहीं मिली। यानी कि आपका जो एग्जाम 12th क्लास का हुआ था 16 तारीख को, उसका पेपर टेलीग्राम पर लीक हो गया एग्जाम होने से पहले ही। तो इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। तो ये न्यूज आपका जैक की तरफ से जारी हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा ली जा रही थी। शुक्रवार यानी 16 फरवरी को दूसरी पाली में ICE फिजिक्स की परीक्षा हुई। यानी कि परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक थी। इस परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग टाइम 1:30 तक किया गया था। छात्र आजसू की ओर से आरोप लगाया गया है कि फिजिक्स के पेपर जैक 11th and 12th क्लास नामक टेलीग्राम ग्रुप पर दोपहर 1:24 ही डाल दिया गया था। इस टेलीग्राम ग्रुप में करीब 2500 छात्र हैं। बताया गया है कि उक्त टेलीग्राम ग्रुप में जो प्रश्न पत्र डाला गया, वही प्रश्न पत्र परीक्षा में भी पूछे गए थे। हालांकि इसे लेकर जैक के पदाधिकारियों के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारियों निर्मला बरेलिया ने कहा कि इस प्रकार की कोई भी शिकायत हमें नहीं मिली है, अब तक नहीं प्राप्त हुई है। शिकायत प्राप्त होने पर जांच की बात कही गई है। इधर आजसू कोल्हान प्रभारी हेमंत पाठक ने कहा कि एक ग्रुप जिसमें 2500 से ज़्यादा छात्र हैं, उस ग्रुप में काफ़ी छात्राएं थी जो परीक्षा देने के बाद घर पहुंची, और पहुंचने के बाद जब मोबाइल देखा तो उसमें परीक्षा के समय से ही पहले प्रश्न पत्र ग्रुप में डाल दिया गया था। इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच की मांग की गई है। छात्र आजसू ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। यानी कि आपका 12th का जो पेपर है वो एग्जाम होने से पहले ही लगभग 1:24 पर आपका पेपर लीक हो गया था, और ये आरोप एक छात्र द्वारा जिसका नाम है आजसू, उसके द्वारा आरोप लगाया गया है। तो इसका क्या मतलब है, हमारा 12th का एग्जाम फिर से होगा? तो ये तो अभी कुछ कन्फर्म न्यूज नहीं है, बट अगर ये घटना सही पाई जाती है तो आपका एग्जाम रद्द भी हो सकता है। 12th का एग्जाम आपको फिर से देना होगा। हालांकि ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए, बट देखते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंट, आज का न्यूज इतना ही था। तो अगर आपको न्यूज अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही न्यूज देखने के लिए। धन्यवाद।